डांडी को जड़ी छेगी बॉडी कनू भैर भीतर बॉडी कनी वबरा बून सरारा बॉडो कुछ तरुड़ेरा छेगी सरारा बॉडो कुछ तरुड़ेरा छेगी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है तो वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले ही आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं पहाड़ी जी स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है आज की वीडियो की शुरुआत माने की है। माने एक अच्छा सा सॉन्ग गाया है तो सुबह सुबह ठंड भी थी तो माने कहा कि मैं एक गाना गाती हूँ तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मौसम की बात की जाए तो मौसम आज सुबह से बारिश ही लग रही है। आज हम बना रहे हैं छाछ या मट्ठा। तो आपकी लैंग्वेज में मट्ठा भी बोल सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में छाछ बोलते हैं। तो इसकी क्या प्रक्रिया है, इसको हम कैसे बनाते हैं अपनी पहाड़ी रीति रिवाज के हिसाब से, तो आपको बताता हूँ। जिससे हम बनाते हैं वो उसका नाम क्या है, हम आज कोई मशीन से नहीं बना रहे हैं। मशीन तो है हमारे यहाँ पे, वो ख़राब हो रखी है तो हमने सोचा छाछ बनाने के लिए हो रखा था तो हमने सोचा आज हम जैसे पुराने लोग बनाते थे छाछ वैसे बनाते हैं। तो बताता हूँ मैं हम किससे छाछ बनाएंगे। तो ये है जिससे हम छाछ बनाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में मनाड़। तो ये पुराने लोग के लोग जो होते थे तो ये इसी से बनाते थे, यही मशीन थी छाछ बनाने वाली जिसे हम आज की भाषा में मनाड़ बोलते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इस पे रस्सा बांध देते हैं और फिर इसको आज हमने जुगाड़ करके इसको एक लकड़ी ली और उस पर बांध लिया है इसको। तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को किस प्रकार से हमने छाछ बनाते हैं और किस में बना रहे हैं। तो इस वाले बर्तन में हम बनाएंगे छाछ और इसको हम पता क्या बोलते हैं, डिबली। तो ये हमने बाज़ार से ले रखा था और पहले के ज़माने में क्या होता था कि हम बनाते थे एक लकड़ी का जो बर्तन होता था ना उसमें बनाते थे, उसको हम क्या बोलते थे, बरिया। हाँ याद आया मुझे कि बरिया बोलते थे उसको और वो लकड़ी का होता था, बहुत सुंदर। तो फाइनली हमने बना दी है छाछ जो मट्ठा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक गिलास टेस्ट कर लेता हूँ कैसी हो रही है छाछ। ठंड भी हो रही है पर मुझे छाछ पीने का मन कर रहा है, मम्मी बोली है ताजी छाछ पीना चाहिए, है ना। क्यों चाहे पी ली। तो छाछ तैयार हो गई है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये तो बादलों के उड़ के उड़ने वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। छाछ को पीने में ना इतना मजा है। जैसे कि आप लोगों को पता है सुबह से आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और वैसे ही ठंड भी हो रही है। तो मैं अपने किचन में हूँ, लकड़ी वाले किचन जिसमें आग जला रहे हैं, पीछे आप धुआं देख रहे होंगे
और सुबह आज का टाइम का ना पता ही नहीं चला, और सुबह रोटी खाई उसके बाद थोड़ा और कुछ काम था वो किया, उसके बाद 12 बज गए और दिन के खाने की तैयारी भी हो गई है। तो दिन में आज हम बना रहे हैं पालक का साग और चावल। गुड इवनिंग, अभी शाम का 5 बज रहा है और आज समय का पता नहीं चला है, और आप लोगों को पता है कि बरसात में ना समय का पता नहीं चलता है, और सुबह से ना बारिश होते जा रही है और इस बारिश में ना इधर उधर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये ऐसी बारिश है इसमें बहुत जल्दी भीग जाते हैं। बाद माँ ने एक और गाना गाया 2 लाइन में, तो बहुत अच्छा लगा, वो वीडियो के अंत में मैं डाल दूंगा, तो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा ये गाना। यूना का मैन किल मिले मीराती बल मिले मीराती कनिक वे कटोलो इतराती घर। को यहीं पे एंड करूंगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।